मेरे रूह करेगी फरियाद, मेरी सांसें कहीं खो जाएंगी, तब भी तू मेरे संग रहना। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मोटोरोला ने लॉन्च कर दी है अपनी नई मोटो G6 सीरीज। आज हम लेके आए हैं आपके सामने मोटो G6 स्मार्टफोन। आप देख सकते हैं पीछे से इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। अगर बैक कवर हटाएंगे तो आप देखेंगे जो बैक की पूरी बॉडी है वो पूरी ग्लास की दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक देती है बॉडी और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दिया गया है। आप देख सकते हैं ये एक बजट स्मार्टफोन है, उसके बावजूद भी ये प्रीमियम लुक देता है। अगर आप इसके लुक की बात करें तो ये मोटो X4 से काफ़ी मिलता जुलता है। आप इसके कॉर्नर्स और एजेस देख सकते हैं, काफ़ी एलिगेंट और ब्यूटीफुल लुक दिया गया है। अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो इसमें 5.7 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, वो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। अगर हम इसकी बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में आप देख सकते हैं एक चार्जिंग केबल है, उसके साथ टर्बो चार्जर दिया गया है। उसके साथ ही जो ईयरफोन्स है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, इसके एक प्रीमियम क्वालिटी लुक देते हैं ईयरफोन, इनका डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया मुझे। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इंटरनेशनल प्राइसिंग इसकी रखी गई है $250। इंडिया में अभी तक इसकी प्राइसिंग का पता नहीं चल पाया है, जल्दी इंडिया में ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा तब पता चलेगा कि ये इंडिया में कितने में लॉन्च होता है। उम्मीद है कि मोटोरोला इसको इंटरनेशनल प्राइसिंग के हिसाब से इंडिया में कम प्राइस में ही लॉन्च करेगा। जो फ़ोन है ये दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, एक होगा 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और दूसरा वेरिएंट होगा 4GB रैम विथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ड्यूल कैमरा दिया गया है 12 MP प्लस 5 MP, और आगे की तरफ 8 MP फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि फ्रंट फ्लैश के साथ आता है। इसमें प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 450 और बैटरी है 3000 mAh की, और इसमें USB-C टाइप पोर्ट दिया गया है। इसका जो ड्यूल कैमरा है 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का, वो आता है अपर्चर 1.8 के साथ, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 MP जो कि आता है फ्रंट फ्लैश के साथ। मोटोरोला ने जब ये फ़ोन लॉन्च किया तो मोटोरोला का ये कहना था कि इस बार कैमरा में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया गया है और बहुत सारे नए नए मोटोरोला ने इफ़ेक्ट दिए हैं जो कि आपकी कैमरा क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर देंगे। आप देख सकते हैं नए नए मोड्स आए हैं, बहुत सारे कैमरा में इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं, और मुझे इसका कैमरा काफ़ी हद तक अच्छा लगा। अब ओवरऑल अगर फ़ोन की बात की जाए तो मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, जो ग्लास लुक दिया गया है फ़ोन में, और जो कैमरा है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट इसमें जो स्नैपड्रैगन 450 है वो मुझे लगता है कि थोड़ा कम दिया गया है प्रोसेसर, एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 625 या 630 तो होना ही चाहिए था। जो इसमें 18:9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है वो मुझे इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मोटोरोला ने इस बार दूसरे फ़ोनों की तरह नॉच नहीं दिया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि नॉच को माना गया है कि वो आईफोन की कॉपी है। मुझे ओवरऑल फ़ोन का लुक और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा, बट ये मोटोरोला पर डिपेंड करता है कि ये इंडिया में इसको किस प्राइसिंग में लॉन्च करता है। अगर इसकी प्राइसिंग हाई रही तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, और अगर इसकी प्राइसिंग कम रही तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन होगा। तभी तो